পয়লা জুলাই অর্থাৎ আজ সোমবার থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হলো অপরাধ সংক্রান্ত নতুন আইন। সেই উপলক্ষে সোমবার আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ফৌজদারি আইনে যেগুলি সংশোধন করা হয়েছে এবং যেগুলি মেনে চলা হবে সেগুলি হলো ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসির পরিবর্তে এই নতুন আইন লাগু করা হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো মামলায় প্রথম শুনানির 60 দিনের মধ্যে চার্জ গঠন করতে হবে ও 45 দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, দেশের মানুষ যাতে দ্রুত ন্যায় বিচার পায় তার জন্য এই আইন কার্যকর করা হয়েছে। এদিন পশ্চিম মহিলা থানায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। নতুন আইন সম্পর্কে পুলিশ আধিকারিকদের অবহিত করতেই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। আগামী কিছুদিন এই ধরনের কর্মসূচি বিভিন্ন থানায়ও করা হবে বলে জানান তিনি। जस्टिस का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी जल्दी एक्सपीडेट होने का भी प्रोविजंस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। जो क्राइम से जो पीड़ित होता है उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन है इसमें। तो कुछ कुछ हाईलाइट्स है इसमें, जैसे कि अभी छोटा मोटा जो क्राइम होता है, जैसे चोरी लेस देन 5000 का जो क्राइम होता है, पब्लिक में जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं और डिफेमेशन करते हैं, उनके लिए अभी कम्युनिटी सर्विस जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता है, कम्युनिटी सर्विस जैसे लंदन में जाके कुछ रोटी बनाना या कुछ क्लीनिंग बनाना, ऐसे जो कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में। उसके बाद कुछ कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी है, जैसे कि 12 साल का जो बच्ची है उसको अगर उससे लेस हुआ, 12 साल से जो लेस एज का जो बच्ची का अगर रेप हो गया तो उसमें डेथ पेनाल्टी का भी प्रोविजन है। और उसके बाद जो ऑफेंसेस जो है जो 3 इयर्स टर्म से जो कम है उसका परमिशन ऑफ SDPO का या कोई भी DSP का ये चाहिए। और उसके बाद सेडिशन जो था वो अभी रिपील हो गया है। अभी नया पेनाल्टी जो है वो उसमें वर्डिंग स्टेज हो के अभी थ्रेट टू सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एक्ट किया गया है। उसके बाद स्नैचिंग के लिए जो चेन स्नैचिंग होती है उसके लिए सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 304 BNS में। उसके बाद टेररिज्म के लिए नया सेक्शन आया है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए नया सेक्शन आया है, आर्बरिंग अगर कोई टेररिस्ट को आप किसी ने उसके घर में रखा या कोई सपोर्ट किया उसके लिए भी पनिशमेंट आया है। और उसके लिए SP का परमिशन लेके लिए केस लेना है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए अभी जो भी लिंचिंग इंसिडेंट जो होता है, क्रिमिनल कोई हो सकता है जो भी होता है, उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन आया है। उसके अलावा हमारा जो CRPC बहुत आउटडेटेड था 1973 का, अभी लेटेस्ट BNSS उसको रिप्लेस कर रहा है। इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर और फॉरेंसिक साइंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। इसमें एक 0 FIR पहले से था, अभी उसका एक्सक्लूसिव प्रोविजन दिया गया है 173 BNSS में, कोई भी कहीं से भी 0 FIR लॉन्च कर सकता है। और EFIR का एक नया टर्म यूज़ किया है, इसमें कोई भी जो मीडिया है उसमें मोबाइल या ईमेल व्हाट्सएप कहीं से भी EFIR कोई एक आदमी जो है कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। और सेक्शन 530 ऑफ BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करने का एक सुविधा दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस को प्रॉपर्टी अटैच करना जो क्रिमिनल है उसका भी क्लियर प्रोविजन और गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। और हमको पुलिस को बोला गया कि आईओ विदिन 90 डेज ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट लिटिगेंट को उसका प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। बहुत ही जो विक्टिम है उसको बहुत अच्छा से जस्टिस मिलेगा कि अब उसका केस में क्या हो रहा है, ये सब अपडेट उनको अभी मैंडेटरी पुलिस को देना पड़ेगा। और विदिन 60 डेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट 60 डेज होने से ही ट्रायल हैज टू बी स्टार्टेड, तो इसमें ट्रायल जल्दी से शुरू हो जाएगा। और वो ट्रायल शुरू होने का 45 डेज के अंदर वर्डिक्ट अनाउंस होना है, तो जस्टिस सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। और उसके बाद 176 BNSS में एक्सपर्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। फाइनली हमारा जो अभी हीनियस क्राइम में फिर से हैंड वर्किंग का प्रोविजन अभी वापस आ गया है, तो सेक्शन 43(3) ऑफ BNSS में
क्लियरली लिखा गया कि कैसे अक्यूज को हम लोग कौन सा केसेस में हम लोग एड कभी कर सकते हैं उसको मतलब आगने से प्रिवेंट कस्टडी में स्ट्रिक्टली हमको कोर्ट को प्रोड्यूस करने में मदद होगा। उसके बाद अभी जो हम लोग पुलिस रिमांड जो लेते थे 15 डेज का उसका अभी इमीडिएटली लेते थे पहले, अभी उसका 60-90 डेज का पीरियड में कभी भी हम 15 डेज का पीरियड का पुलिस रिमांड दे सकते हैं। इसमें पुलिस को बहुत मदद मिलेगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बाद में भी आता है तभी हम पुलिस रिमांड का ज़रूरत हो जाता है, पहले उसका प्रोविजन नहीं था। तो अभी हम लोग 60-90 डेज के अंदर कभी भी हम लोग 15 डेज का पुलिस रिमांड दे सकते हैं। उसके अलावा अभी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वो भी रिप्लेस कर दिया अभी भारतीय ये BSA एक्ट साक्ष्यम भारतीय साक्ष्यम अधिनियम। उसका अभी हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, उसमें कौन एक्सपर्ट है वो सब क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। और हम लोग अभी जो भी सीन ऑफ क्राइम होगा उसको हम लोग वीडियोग्राफी करना है और उसको कोर्ट में भी एक कॉपी देना है और ये सब अभी मैंडेटरी हो गया है। और सेकेंडरी एविडेंस जो था वो भी एक्सपेंड हुआ है, पहले से था अभी उसका स्कोप एक्सपेंड हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने से बहुत ही डिटेल में ट्रेनिंग दिया है, सभी हमारा जो पुलिस है अभी वेल ट्रेंड है, IOs, OCs, SDPOs, एडिशनल स्पेस SPs सब लोग अभी इस लॉ में जो PhD में है वो लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया था और अभी हम लोग पूरा तैयार हैं ये नया लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, RE News।